स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है दैट ड्रॉ अ डायग्राम एंड अप्लाई, ड्रॉ अ डायग्राम एंड अप्लाई दी कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स ए 1/3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे दैट हमें एक रे डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद साइन कन्वेंशन के यूज से, ठीक है, फोकल लेंथ निकालना है, मिरर का टाइप बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नीफाइड इमेज है वो 1/3 टाइम्स, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर सपोज करिए 30 है तो इमेज का हाइट 10 है, 1/3 टाइम्स दी मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें देखिए कि हमारा जो डायग्राम है उसको बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये मिरर जो होगा ये कॉनकेव होगा। तो ये कॉनकेव कैसे होगा ये भी तो समझना पड़ेगा ना, दैट ये कॉनकेव मिरर है आपने कैसे डिसाइड किया, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं। देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने कॉनकेव लिख दिया, सॉरी। देखिए यहाँ पर हमारा जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ओके। तो ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया दैट ये कॉन्वेक्स मिरर है? देखिए यहाँ पर जो आपका मैग्निफिकेशन है वो 1/3 है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज से ग्रेटर है। तभी तो मैंने शुरू में ही बताया था ना दैट कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट 30 है तो इमेज का हाइट 10, 1/3, तो ये वैलिड है ना। तो इमेज हमारा छोटा बन रहा है साथ ही साथ वर्चुअल बन रहा है, छोटा भी है वर्चुअल भी है। तो ये केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर में ही पॉसिबल है, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होता है इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें कि छठा केस में वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन बड़ा बनता है। तो ये केवल कॉन्वेक्स मिरर में ही पॉसिबल होगा, इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फोकल लेंथ निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला होता है एक्चुअल में 1/V+1/U=1/F, ये होता है मिरर फॉर्मूला। अगर आप फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है, वी इमेज डिस्टेंस है और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन में बोला यू 18 लेना है, क्वेश्चन में यू का वैल्यू कितना लेना है? 18 लेना है, ठीक है। लेकिन वी कितना लेंगे? तो वी के लिए एक और फॉर्मूला यूज करना होगा जो मैग्निफिकेशन के टर्म्स में होता है। वो फॉर्मूला होता है M=-V/U। ये मिरर के लिए केवल यूज होता है, लेंस के लिए नहीं यूज होता, लेंस के लिए +V/U होता है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन कितना बोले, 1/3, ठीक है। और चूंकि ये इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल जो भी वर्चुअल होता है ना, जो भी इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड, इरेक्ट माने सीधा। और सीधा अगर होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एम की वैल्यू हो जाएगी +1/3=-V/U, यू हमेशा नेगेटिव, -18। तो यहाँ से अगर आप वी देखेंगे तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा 6+, तो v कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ निकाल लिया M=-V/U, V=-MU-M कितना +1/3 और u कितना -18। तो ये 6 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हमारा v आएगा, तो v आ गया, u आ गया, f निकल जाएगा। तो अब हम लोग यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया है, v की वैल्यू +6, u की वैल्यू -18, फिर हमने लिया एलसीएम, फिर लास्ट में जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाएगी। अब रे डायग्राम भी आप समझ लीजिए, रे डायग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखना है मिरर से, 18 सेंटीमीटर इधर रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इससे लाइट रे एक तो पैरेलल गया जो इधर टकरा के चला गया, ये लाइट रे पैरेलल है और ये टकरा करके वापस इधर लौट गया, है ना। एक रे है जो कि ऐसे जा रहा है और वापस उसी रास्ते से लौट गया, दो एरो है ना, एक जाता हुआ एक आता हुआ। तो ये रे जो है जा करके डॉटेड लाइन से अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटेगा, क्योंकि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना वही अपना पाथ पे वापस लौट सकता है, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस कर सकता है।
तो ये वाली रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और वापस उसी से लौट गई, समझ गए। तो ये हो गया हमारा एक रे हो गया जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो इधर से पास हुआ, दैट मीन्स कि इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे कटेगा, क्योंकि जो भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों रेज हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इनको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा पोजिशन हो जाएगा किसका, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट छोटा बना है, ओके, ये हमारा इमेज का, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। चलिए तो ये 18 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और 9 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।